बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। जी व्यूअर्स, तो पाकिस्तान रेंजर में नई शानदार जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है, सो उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वह सब इंस्पेक्टर जनरल डिप्टी डायरेक्टर एंट्री की, ठीक है। इसके लिए तलीम होनी चाहिए FA FSC या मसावी तलीम, ठीक है। दूसरी जो है वह खतीब की डायरेक्टर एंट्री, इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में मजहबी इदारे से दरसी निज़ाम के मतलब भी जो दरसी निज़ाम का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगली जो पोस्ट है वह हवलदार नायक की जनरल डिप्टी, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक या मसावी तलीम होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है वह सिपाही क्लर्क की, ये भी FA FSC पास होना चाहिए और साथ में एक साल कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, ब्राय MS वर्ड या MS वर्ड और एक्सेल और पावर वगैरह पॉइंट के बारे में, ठीक है। और अगली जो पोस्ट है वह सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही वेटर में और सिपाही मसालची, ठीक है। इसके लिए 8 पास होना चाहिए, ठीक है, 8वीं क्लास पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है धोबी प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन दरकान मिस्त्री वगैरह की, ठीक है, रंगसाज वगैरह की। इसके लिए भैया 8 पास होना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो है ये प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए जो 5वीं पास होना चाहिए, जो 5वीं पास होना चाहिए वो सिर्फ क्रोप के लिए, ठीक है। और ये भी बताया गया कि ज़्यादा तलीम याफ्ता डिप्लोमा होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें जिस्मानी मियार की, तो कद होना चाहिए वो कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच, ठीक है। लम्बे कद वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। छाती जो है 33 इंच बमा 1.5 इंच फुला होना चाहिए। वज़न जो कम अज़ कम 121 पाउंड होने, तकरीबन 55 किलोग्राम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा BM के मुताबिक, ठीक है। और उम्र की हद क्या होनी चाहिए, वो 18 साल से 30 साल तक उम्र की हद बताई गई है, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से सेंटर हैं भर्ती के लिए। जो जगह तरीक़ है वो कराची सेंटर में आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, टूल प्लाजा, सुपर हाईवे, कराची, ठीक है, ये कराची में है। दूसरा जो है वो है सक्कर लाहौर मंडी बावलदीन का, आप आगे भर्ती सेंटर देख सकते हैं, तारीख भी देख सकते हैं, इस तारीख में आप जाकर ये वाले आपकी भर्ती होगी, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान रेंजर की वेबसाइट, ठीक है, www.pakistanranger.gov.pk पर जाकर आप 17 से 23 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मैसेज आएगा, ठीक है। उस मैसेज के बाद आपने अपने असल कागजात साथ लेकर इन सेंटर पर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपका फ़िज़िकल होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन का जो का लेटर जारी किया जाएगा, ठीक है। ये आप ख़ुद भी एडिट कर सकते हैं सारा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।